उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार यानी 6 मार्च को जगह जगह सरकारी होर्डिंग्स लगाए गए और इस सरकारी होर्डिंग्स में उन लोगों की फोटोज लगाई गई थी जो कि दिसंबर में लखनऊ के NTCAA के हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। दरअसल लखनऊ में जब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ तो इनमें शामिल प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों की पहचान करके इनकी फोटो, नाम और पता एक पोस्टर पर छपवा कर जगह जगह लगवा दिए और पोस्टर पर लिखवाया गया कि नुकसान की भरपाई इन लोगों से करवानी है। बता दें लखनऊ में हजरतगंज में लगे होर्डिंग्स पर 28 लोगों की फोटो थी, ठाकुरगंज में 10 और हसनगंज में लगे होर्डिंग्स पर 13 लोगों की फोटो, जबकि केसरगंज में लगे होर्डिंग्स में 6 लोगों की फोटो लगी हुई थी। यानी कुल मिलाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप 57 लोगों के ऊपर है और इन सभी लोगों से मिलाकर 1.55 करोड़ की भरपाई करवानी है। लेकिन इस तरह से जगह जगह होर्डिंग्स टांगने की वजह से कल रविवार यानी 8 मार्च को इलाहाबाद कोर्ट खुला और कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की गई। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर लोगों की इस तरह से फोटो लगाकर उन्हें अपमानित करना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि बेंच 9 मार्च यानी सोमवार को इस मामले पर अपना फैसला भी सुनाएगी।